क्या नाम पड़ेगा? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, पठान मूवी को बायकॉट करना चाहिए कि देखना चाहिए? एकदम बायकॉट करना चाहिए। क्यों? बॉलीवुड में एक रैकेट चल रहा है, वो रैकेट एक खान लोग जो है उस पर काबिज हैं, और किसी न किसी तरह से ये हिंदू परंपरा, हिंदू के प्रतीक, हिंदू के देवी देवता, इनका मजाक उड़ाने, हिंदुओं पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह ये बेशर्म भगवा हमारा प्रतीक, और भगवे को ही आपने बिकनी के रूप में धारण करवा दिया, और कलर आपको नहीं मिला था। मैं तो कहता हूँ कि ये बेशर्म गाने का, ये बेशर्म लोगों की मूवी हर हिंदुस्तानी को नहीं देखनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की बात आती है तो ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। देखिए बेशर्म गाना, और जो फुल मूवी देखेगा वो बेशर्म लोग, बेशर्म लोग ही ये मूवी देखेंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई अभिव्यक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता है बोल के, चित्रित करके, और फिल्म समाज का आईना होता है। मतलब नहीं है कि आप अपने सनातन धर्म का जो है हनन कर लीजिए, हाँ अपने देवी देवताओं के प्रति गाली सुनिए या उनको गाली दीजिए, यही स्वतंत्रता है क्या? ये स्वतंत्रता नहीं है। फिल्म के रिलीज के पहले वैष्णो जी जाते हैं शाहरुख खान, वो तो ये अपना एक पॉलिटिक्स जो रस्म है, ये हिंदू देश है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो हिंदू अगर मूवी नहीं देखेंगे तो साले भीख मांगेंगे, इसीलिए हो जाते हैं कि मैं ये हिंदू देवी देवता का दर्शन करने आ रहा हूँ, कि आप ऐसा कुछ नहीं, आप मूवी देखिए, इसलिए कहते हो। तो नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, एकदम इन बेशर्मों की मूवी नहीं देखनी चाहिए, और यही नहीं कोई भी मूवी नहीं देखनी चाहिए बेशर्म लोगों की। अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, एकदम बायकॉट। हाँ एकदम बायकॉट, नहीं देखेंगे एकदम नहीं। आप अक्षय कुमार की मूवी देखिए, गोविंदा की मूवी देखिए, उनकी भी तो फिल्म का बायकॉट हुआ था, रक्षाबंधन। नहीं वो मैं तो नहीं ये प्रकरण जानता हूँ, हुआ होगा तो कारण को दूसरा होगा। तो भाई साहब तो कह रहे हैं देखना चाहिए। हम तो एकदम कह रहे हैं देखना चाहिए। ये बताइए, हर चीज को धर्म से जोड़ा जाए इसका क्या मतलब है? देश को विभाजित किया जा रहा है। पीके जो फिल्म बनी थी उसमें लोगों का कहना था कि फिल्म को लेके धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। फिल्म जो है एंजॉय करने की चीज होती है, एंजॉय करने की चीज होती है, धर्म से नहीं। एंजॉय करने मतलब जो मैं भूषण एक चित्रकार हुआ करते थे, तो क्या ये फोटो देख के इन लोगों को आनंद आता था क्या? एक बार पूछिए, आनंद आता था पूछिए। आप ये बताइए, केंद्र में प्रदेश में आपकी सरकार है, ऐसी मूवी बनाई ही क्यों जा रही है? इस पे तो आप नहीं विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध आपको करना चाहिए ना। वही अब देखिए, पिक्चरों भगवा पहन के डांस होता है, वो क्या करिएगा ये बताइए। तो बिकनी की बात अलग है, डांस की बात ना करिए। आप अपना अर्धनग्न अंदर की चीज को जो है बिकनी पर दिखाएंगे, वही है गाने का औरंग है, वो गाने पे कपड़ा बन गया। तो हम लोगों को नहीं लगता है, हम लोग हिंदू हैं, और हिंदू हिंदू के हिंदू हैं। अरे भाई हिंदू, अरे हम से बड़ा हिंदू के बाद मैं बुझा था, हिंदू हैं, देशभक्त हैं। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप हिंदू 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 सनातन और उस पे उनके देवी देवताओं के प्रति आप लोग करेंगे खिलवाड़ करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अभिनेता अगर करता है तो दिक्कत नहीं है, तो हिंदू तो वो भी तो अभिनेता। कौन हिंदू अभिनेता करता है बताइए? डेनमार्क में एक पैगंबर का। केंद्र में प्रदेश में सरकार इनकी है, अगर ऐसी दिक्कत है तो उस फिल्म पे रोक लगा दे, सेंसर बोर्ड से रोक लगा, और लो कैसे हो? बिल्कुल हाँ, सेंसर बोर्ड को इस पर इसका विरोध होना चाहिए, अगर इतना दिक्कत है तो सेंसर बोर्ड पास ही। विरोध का एक माध्यम वहाँ भी है, वहाँ भी आपत्ति दाखिल की गई है, उसका भी हम लोग विरोध किए हैं। कि ये मान लीजिए, ये तो मान लीजिए बिकनी वाला है, और अच्छा बंधन में कौन बिकनी रहा है जरा पूछ। नहीं तो बिकनी नहीं था, जो भी हो मैं उस प्रकरण को नहीं जानता हूँ, मैं उस प्रकरण को नहीं जानता। बंधन में क्यों? आप देखेंगे? हाँ हम पहला शो देखे जाते, पहला शो हमारा एकदम पहला शो का, अब पांच लोग के साथ देखेंगे। अरे पांच लोगों के साथ? अरे पांच नहीं, 10 लोगों के साथ देखेंगे। ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं, आएंगे देखने के लिए। अरे भैया केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार की आपकी है, सेंसर बोर्ड से कैसे है पिक्चर पास? सुनिए भाई ये फिल्म देख, सुनिए लेट मी कंप्लीट सुनिए, ये देशद्रोही हो जाएंगे। फर्जी हिंदू लोग बताइए देशद्रोही है देशभक्त है? फिल्म देखेंगे तो देशद्रोही, देशद्रोही है भैया, एकदम प्योर देशद्रोही है। डेनमार्क में पैगंबर का एक चित्र बनाया जाता है, जिसका पूरा मुस्लिम काउंट्री का विरोध करती है, और हमारे हिंदू को हिंदू मूर्ति और धार्मिक फिल्म देखेंगे पठान तो वो देशद्रोही हो जाएंगे? नहीं हम देशद्रोही तो नहीं कहेंगे, ये बेशर्म है, बेशर्म रंग को देखने के लिए बेशर्म जाएंगे। आप तो उससे भी बड़ा कर दिए बेशर्म, और नेता जी से इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ।